मुझे आज पता लगा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक बहुत गुड सीन है कि आप जो है ना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि ज्यादा महंगी नहीं है उसके थ्रू किसी के भी नाम पे कर सकते हैं। बस बाजवे पर फिलहाल है, लड़ाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी और मैं हूँ ज़िशान रसूल, एक नए दिन के साथ और एक नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यार सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। सुबह 12 बज गए और भाई ने भी सबसे पहले पहुँचना है लाहौर स्मार्ट सिटी, वहाँ पे है एक ट्रांसफ़र और उसके बाद मैंने जाना है ABS टावर, वहाँ पे एक वीडियो शूट करनी है नई, आप लोगों के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन हैं तो वो भी आप तक पहुँचानी है, तो सोचा कि लाहौर स्मार्ट सिटी का ट्रांसफर आप लोगों को दिखा दें, तो साथ चलते हैं। अभी आज सुबह सुबह ना मैं एक वीडियो देख रहा था बड़ी मज़े की, यार एक बंदे ने लगाई हुई थी कि रियल स्टेट के अंदर जो है वो काम नहीं है, अपने उसने अब्बा जी की गाड़ी दिखाई हुई थी ऑल्टो, फिर बड़े भाई की सिविक और सबकी, और फिर कहता था कि जी मैं रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद उसके बाद कोई बड़ी गाड़ी, और वो कह रहा था कि जी मैं इन सबकी गाड़ियाँ धोता हूँ। तो भाई जान धोते आप अपनी मर्जी से है ना बात ये है कि रियल स्टेट की मार्केट को जिस तरह से हम लोग 2 साल से देख रहे हैं इस वक्त, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सिस्टम ऑन हो रहा है, दोबारा से मार्केट्स रनिंग में आ रही हैं। गवर्नमेंट जो मर्जी आएगी वो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पता है कि हम तो चाहते हैं कि जी मुल्क चले, तो मुल्क चल रहा है इस टाइम पे, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, आप लोगों को भी वैसे ही चीज़ें करनी चाहिए। बाकी ये जी लाहौर है, लाहौर की बेहतरीन सड़कें हैं और आपका भाई उड़ता हुआ जा रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी, क्योंकि आज लाहौर स्मार्ट सिटी का ट्रांसफर है मेरा, तो देने के बाद आपको सारी रूटीन बताई हुई है, तो साथ ही रहो इन्जॉय करते हैं भाई। और बहरहाल ये नेगेटिव थॉट से दूर रहा करो यार, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती, काम करो काम। अच्छा जी, तो ट्रांसफर हो गया है हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी का, और लाहौर स्मार्ट सिटी का बेसिकली यार प्लॉट लिया एक दोस्त ने और वो पाकिस्तान में नहीं होता, तो मुझे आज पता लगा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक बहुत गुड सीन है कि आप जो है ना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है उसके थ्रू किसी के भी नाम पे कर सकते हैं। मतलब बाकी जगहों पे ये बड़ा लंबा छोटा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा इजी था क्योंकि इनके मेरा ख्याल है कि ओवरसीज क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनको फैसिलिटेट किया जाता है, तो उसके मुताबिक हमें सिर्फ देना पड़ा है 5,000 रुपया एक्स्ट्रा और हमने ले लिया है ट्रांसफ़र, और उसके नाम पर उसके बिहाफ पे सारे साइन अथॉरिटी हर चीज़ मैंने की है, और अब मैं उसको उसके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर दूंगा। ट्रांसफ़र प्रोसेस इनका ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बड़ा इजी टू गो था, अब मैंने जो चीज़ें हैं वो उसको डॉक्यूमेंट्स सारे भेज देने हैं और 20 दिन के बाद हमारे पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स आने हैं, अभी सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं बैरियर टाउन ऑफिस, ये राजीव ग्रीन मार्केटिंग, देखते हैं ज़रा कोई सिस्टम बनाते हैं, अभी जाना था हमने एक शूट करने, तो शूट कर लें पहले। बस बस लड़ाई हो गई है, है ना, चल रहा है। बस 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 गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं, सीधी कर रहे हैं, ये बॉयज हमारे शूट करेंगे, भाई साहब भी आ गए हैं, वो मोहित सीधी कह रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी पर्ल वन कोर्ट यार्ड की साइट पे, और कुछ शूटिंग के सीन्स थे आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी, तो ये देखें जी ये सारे बॉयज जो है ना ऑन है फुल गेम, बट साहब बाजवा साहब, और ये यार मैं आप लोगों को साइट दिखाता चलूँ, तो दिस इज फॉर पर्ल वन कोर्ट यार्ड 1, ये 2 की साइट है और वहाँ सामने पर्ल वन कोर्ट यार्ड 3 की साइट है, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पर्ल वन कोर्ट यार्ड के मेन एरिया में, और हम जरा भट्ट साहब से पकड़ते हैं। भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे इस एरिया के बारे में, ये जो कमर्शियल हब है हमारे पास, यहाँ पे छोटे कमर्शियल हैं बड़े कमर्शियल हैं, इस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए यहाँ पे जिस टाइम हम टीपू ब्लॉक में खड़े हैं, यहाँ पे 3 कनाल से लेकर 10 कनाल का कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, मैं कहूँगा लाहौर में इस टाइम इतना बड़ा कमर्शियल कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ये इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर ये लोग हमारे पास आए हम इनको अपॉर्चुनिटी बताएंगे इन्वेस्टमेंट की कहाँ कहाँ किस तरह। इस जगह में सबसे बड़ी बात है कि जो कमर्शियल हब बन रहा है
इस जगह में जितने भी अपार्टमेंट बिल्डिंग है ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये कमर्शियल हब है। तो इधर नीचे कमर्शियल मॉल बनेंगे, जैसे ये पर्ल वन टावर जो 3 है ये इधर बन रहे हैं, ये जो पर्ल वन टावर 1 है वो इधर बन रहे हैं। ये सारा इस जगह, ये 150 फुट जो रोड है ये ऑर्चर्ड को जाके मिल रहा है, ये कल को ये ऑर्चर्ड को मिलेगा ये रूट। यार मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि भाई साहब जो है वो डायरेक्टर सेल्स भी है ABS के, और मैं इनसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। भाई साहब मैंने सुना है कि यहाँ पे जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट आ रहे थे आपने उनकी जमीनों पे कब्जा कर ली। नहीं, जमीनों पे कब्जा ऐसे आपको पता है कि हमारी जो पॉलिसीज है, सबसे पहले तो हमें किसी की भी आप डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले उसकी पॉलिसीज को देखना पड़ता है। हमारी जो आपको पता है पॉलिसी है 100% रिफंड पॉलिसी है, बिल्कुल हमारी पॉलिसी है। आपको लेट इंस्टॉलमेंट होती है हम आपसे कोई जुर्माना नहीं करते हैं, बिल्कुल हमारी हमारी पॉलिसी में है कि हमारी हर टाइम साइड पे कोई ना कोई मौजूद होता है। आप देख सकते हैं हमारी डिमार्केशन हो रही है, प्रॉपर्टी डिमार्केशन हो रही है, ये चल रही है, तो हर टाइम साइड पे कोई ना कोई मौजूद होता है। आप ABS मॉल में चले जाएं, ABS मॉल एंड रेजिडेंसी है उधर, उस साइड में दिन रात काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी हमारा डेस्कन वालों के साथ, डिस्कन जो इंडस्ट्री है उनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 24/7 इधर काम होगा, बिल्कुल ऐसे। और एक रिकॉर्ड टाइम है जो सेल हुई है, और एक रिकॉर्ड टाइम में ये डिलीवर भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमें बावसुक जराए से पता लगा कि इर्द गिर्द वाले जो छोटे प्रोजेक्ट वाले थे आपको जमीनें बेच गए, इसलिए बात छेड़ी थी। बात आपने फिर वो उधर ले आए, मैं बात को घुमा रहा था, लेकिन आप भी जहर है जान भाई, आप कारीगर आदमी है। तो इसमें ये है कि उन लोगों ने हमें दे दिए कि भाई जान ये आप भी हमारे भाई हैं, आप इधर सारा प्रोजेक्ट ले लें, ये हमारे प्रोजेक्ट भी आप ले लें। ये हब जो है ना आपने कैप्चर कर लिए इंशाल्लाह, क्योंकि यहां से लेके वहां तक सारा ABS है, फिर पीछे बीच में भी ABS है। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग है 3-4-12 कनाल के ऊपर हम बना रहे हैं, 9.1 कनाल ये है, और 10.5 कनाल ये प्रोजेक्ट जो तीसरा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इधर हमारे जो प्रोजेक्ट है यही है इंशाल्लाह। इसके बाद एक बहुत बड़ा आसान का ऑफर वो भी आएगी, वो डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह अभी रिवील नहीं करना चाह रहे, इंशाल्लाह टाइम आएगा वो इंशाल्लाह। ये देखें जी सीन्स ऑन है सारे। अच्छा जी, तो इसके साथ ही मैं अपना डे क्लोज करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो आपसे इजाजत चाहूंगा। कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, कुछ नई न्यूज के साथ और कुछ नई एक्टिविटीज के साथ। होपफुली आपने आज का दिन एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।